उनके उम्मीदवार का तो जमानत जब्त हो गया है, तब हम लोग क्या करें? 400 पूरी तरह से अपराधी और भ्रष्टाचारी का अंत होगा, लालटेन बुझेगा, कमल खिलेगा, हेलीकॉप्टर से कमल दिल्ली की सरकार मोदी जी की सरकार बनाएगी। लेकिन मुजफ्फर तेजस्वी यादव शून्य पर आउट होने जा रहा है, 4 तारीख को देख लीजिएगा, 0 पर आउट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं आदित्य आपके साथ है। मुजफ्फरपुर में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहुंचे थे, जहां इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए महागठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव में जो है बिहार से एक इतिहास रचने जा रहा है, जिसमें सीधे तौर पर बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा और 0 यानी कि महागठबंधन को जो है 0 सीट आएगा। क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, पहले आप सुनिए। कि एक भी सीट नहीं हारेगी बिहार में, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जिस तरह लोग मतदान कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि लालू प्रसाद जी के डर से आज भी लोग उनको वोट नहीं करना चाहते। चुनाव के नतीजे देखकर, अरे उनका उनके उम्मीदवार का तो जमानत जब्त हो गया है, तब हम लोग क्या करें? 400 पार का नारा, अरे वही तो कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो गया। पूरी तरह से अपराधी और भ्रष्टाचारी का अंत होगा, लालटेन बुझेगा, कमल खिलेगा, हेलीकॉप्टर से कमल दिल्ली की सरकार मोदी जी की सरकार बनाएगी। लेकिन मुजफ्फरपुर में आपके के जो वर्तमान सांसद है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हुए हैं, कोई उम्मीदवार मोदी की गारंटी चलेगी? लेकिन तेजस्वी यादव कह रहा कि मोदी का 400 पार वाला नारा फेल हो गया, भूल गए। तेजस्वी यादव शून्य पर आउट होने जा रहा है, 4 तारीख को देख लीजिएगा, 0 पर आउट, कमल खिलेगा। तो आपने सुना सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा, वही आपको बता दे कि आज मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उसके बाद जो है पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर भी जमकर बरसाया। साफ तौर पे विजय सिन्हा ने कहा, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कोई भी अपराधी माफिया नहीं जीतेगा, यानी कि वैशाली लोकसभा सीट को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और जो मुजफ्फरपुर के वर्तमान जो भाजपा के सांसद थे और अभी जो है कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी मुजफ्फरपुर से बनाए गए हैं अजय निषाद को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार बिहार में की 40 सीट पर कमल खिलेगी। वहीं जो तेजस्वी यादव पर तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार तेजस्वी को चौंकाने वाला जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वही सम्राट चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इस बार जमानत जब्त हो जाएगी, यानी सीधे तौर पे कहा है कि कोई खतरा नहीं खुलेगा, जमानत भी जब्त हो जाएगी। अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट लुक बिहार।